हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। तो 1976 में जो एनसीए नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें ये था कि जो बैरन लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, या जो खाली पड़ी लैंड है, या जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जहाँ पर फॉरेस्ट की कटाई हुई है, वहाँ पर फॉरेस्ट लगाया जाए, वहाँ पर प्लांट्स लगाए जाए, जिससे ये भी होगा कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहेगा और हमारे इन्वायरमेंट में फिर पॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी भी कम रहेगी। तो इसमें लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से ये कहा गया कि वो ऐसी जगह जहाँ पर भी पाएँ जो बैरन है, जहाँ पर वेस्ट लैंड है, या जहाँ पर फॉरेस्ट की कटाई हो चुकी है, वहाँ पर ट्री लगाएं, वहाँ पर प्लांटेशन करें। तो इसी को सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें सोसाइटी को जोड़ा गया था, लोगों को जोड़ा गया था कि लोग प्लांटेशन करें, लोग प्लांट्स लगाएं। तो इसीलिए इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहा गया था, जो कि 1976 में स्टार्ट किया गया था। और इसका काफ़ी इफेक्ट भी पड़ा, इसके बाद काफ़ी प्लांट्स को लगाने में और फॉरेस्ट को उगाने में और फॉरेस्ट को बचा के रखने में काफ़ी हेल्प भी मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।